हेलो फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए जो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा जाना चाहते हैं। तो जो लोग अनजान होते हैं, मोस्टली गांव से संबंध रखते हैं, तो वो उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती एजेंट के बारे में। तो वो क्या है, अनजान एजेंट के शिकंजे में फंस जाते हैं, तो क्या होता है, उनके पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और वो सही ढंग से कनाडा नहीं पहुँच पाते। तो हमारा मेन मकसद है इस वीडियो के ज़रिए आपको अवेयर करना, ताकि आप सही एजेंट की चोन करो और आपका पैसा बर्बाद ना हो और आप सही ढंग से कनाडा पहुंच सको। क्योंकि पूरी जो भी संसार है, पूरे संसार में सिर्फ एक कनाडा ही ऐसा कंट्री है जो आपको बहुत ही नर्म शर्तें देता है, जिसके अधीन आप कनाडा में ईजिली पक्के हो सकते हैं। तो मेन क्या है, आपने सही एजेंट की चोन करनी है। तो अब आप कहोगे कि आप एजेंट सही कैसे पहचान सकते हो, किसी के फेस के ऊपर तो लिखा नहीं कि कोई एजेंट सही है या गलत है। तो आज मैं आपको उसके बारे में सब बताने जा रही हूँ कि जब आपने किसी एजेंट को हायर करना है, अपनी फाइल लगवानी है एजेंट से, तो आप उससे कौन कौन से क्वेश्चन पुट करो, ताकि एजेंट को भी पता चले कि आपको नॉलेज है और आपको भी पता चले कि आप जिस एजेंट से फाइल लगवा रहे हो उसे कनाडा के बारे में कुछ पता है भी या नहीं है। तो आपने क्या क्या क्वेश्चन पुट करने हैं अपने एजेंट से, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले आपने पूछना है कि कनाडा में आप किस शहर में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वो आपका एजेंट आपको बताएगा। और जिस शहर में आप जा रहे हो वहाँ आपको रेंट पे रूम मिल सकता है या नहीं मिल सकता, अगर मिल सकता है तो उसका कितना रेंट होगा मंथली, ये आपने जनरली क्वेश्चन अपने एजेंट से पूछने हैं। और वहाँ कैंपस के बाहर आपको 20 आवर्स पर वीक काम करने की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, और वहाँ पर आपको किस टाइप का काम करने को मिलेगा, तो ये क्वेश्चन आपने अपने एजेंट से पूछने हैं। जिस प्रोविंस में आप जा रहे हो वहाँ आप पक्के हो सकोगे या नहीं हो सकोगे, क्योंकि कनाडा में कुछ प्रोविंसेज ऐसी हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो सिर्फ उन स्टूडेंट को ही पक्के करते हैं जो स्टूडेंट उनके स्टेट में पढ़ते हैं। तो इस बात की आपने पहले ही अपने एजेंट से जानकारी ले लेनी है। और उसके बाद आपने पूछना है कि जिस कॉलेज में आपकी एडमिशन करवाई गई है, क्या वो पब्लिक कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, क्या वो उस कॉलेज के पास DLI नंबर है या नहीं है, और जिस आपको जो कोर्स दिया गया है, जो वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप खुद इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इजीली कनाडा की एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.canada.ca, वहां जाकर आप DLI अप्रूव्ड कॉलेज की पूरी लिस्ट निकाल के देख सकते हैं और जो भी कोर्स आपने चूज़ किया है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप इन बातों की का ध्यान नहीं देते और अनजान होकर ही अपनी फाइल लगवा देते हैं, तो थोड़ी सी गलती होने पर भी आपका 5 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी, पहले ही सारी जो मैंने अपने क्वेश्चन आपको बताए हैं इनके सारे आंसर आपने एजेंट से पूछने हैं। उसके बाद अपने एजेंट से पूछना है कि जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला करवाया गया है, क्या वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी सरकारी है या प्राइवेट है, और वहाँ पर आपके पूरे कोर्स की कितनी फ़ीस होगी, कॉलेज की जो पूरा जो कोर्स है उस कोर्स की पूरी टाइमिंग क्या होगी, और आप कॉलेज की वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ जाकर भी आप उसके बारे में आप खुद जानकारी ले सकते हैं कॉलेज के बारे में। जो कोर्स एजेंट ने आपको रिकमेंड किया है उसके बारे में भी आप उनसे जानकारी ले सकते हैं एजेंट से, उस कोर्स की कनाडा में क्या डिमांड है या नहीं है, क्योंकि जिस कोर्स की कनाडा में डिमांड होगी वही कोर्स करने का फ़ायदा है, क्योंकि उसके बाद वहां पर आपको अच्छी सैलरी पे जॉब मिल सकती है। तो आपने उन एजेंट से पूछना है कि जो कोर्स उसने आपको रिकमेंड किया है, क्या उस कोर्स की कनाडा में डिमांड है या नहीं है। और अगर आप खुद इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इजीली एक वेबसाइट है कनाडा की www.canadajobbank, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ www.canadajobbank, वहाँ पर स्क्रॉल करके आप इजीली इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो कोर्स एजेंट ने आपको रिकमेंड किया है, क्या वो कोर्स करने के बाद कनाडा में आप पक्के हो सकते हो या नहीं हो सकते,
अगर आपको कनाडा में नौकरी मिलेगी तो आपकी एनुअल इनकम वहाँ पर क्या होगी, और अगर आप कनाडा में पक्के नहीं हो सके तो जो कोर्स आपने किया है कनाडा में जहाँ करोगे, तो उस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट इंडिया में आकर क्या क्या कर सकेगा। तो ये क्वेश्चन आपने अपने एजेंट से पूछने हैं। अगर आपके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपका एजेंट आपको पूरी जानकारी के साथ देता है, तो डेफिनेटली अपने आपके एजेंट को कनाडा के बारे में प्रॉपर जानकारी है, तो आप उससे निश्चिंत होकर अपनी फाइल लगवा सकते हैं। मगर अगर किसी एजेंट के पास इन सारे सवालों के जवाब नहीं हैं, तो वो बातें घुमा के कर रहा है, तो डेफिनेटली उस एजेंट को कनाडा के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो अनजान पर्सन है। तो ऐसे पर्सन से अपनी फाइल ना लगवाएं और सही पर्सन की चोन करें, सही एजेंट की चोन करें, ताकि आपका पैसा बर्बाद ना हो। हमारा मेन मकसद यही है कि आप सही पर्सन के पास जाएं और अपना पैसा बचाएं और कम समय में कनाडा जाके सेटल हो सकें। तो इन सारी बातों का अपने ध्यान रखना है। जब भी आप अपनी फाइल लगवाओ तो ये सारे क्वेश्चन आपने अपने एजेंट से पूछने हैं, तो ही आप फ्रॉड से बच सकते हो और अच्छे ढंग से आपकी फाइल लग सकती है और आपका पैसा बचेगा और आप बहुत ही कम समय में कनाडा जाके सेटल हो सकते हो। और अगर हमसे किसी तरह का रबता कायम करना चाहते हैं, तो आप पीछे दिए नंबर 9815101148 पे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं, और अपने बात कर सुबह 9 बजे से 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आपका फ़ोन कभी पिक नहीं होता तो आप सिंपल टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखकर। तो आपको जब भी टाइम मिलेगा तो आपको बैक कॉल करके आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी। और जो नीचे वाला नंबर है वो कनाडा का है, उसके ऊपर व्हाट्सएप चलता है, और व्हाट्सएप के ऊपर आप सिंपल मैसेज करके अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं या फिर अपना नंबर और नाम लिख के छोड़ सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको विद इन 2 या 3 डेज़ बैक कॉल करके आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सलूशन आपको बता दिया जाएगा। हमारा मेन मकसद है आपकी पूरी हेल्प करना। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।